पीएच टीडीएस केमिकल बैक्टीरियल कंटामिनेशन ये सब पैरामीटर है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए मेरा कुछ पिछले कुछ दिनों का एक्सपीरियंस है। अगर पुअर पानी का क्वालिटी खराब, देखिए पेपर के ऊपर चिक्स, दूसरे दिन चिक्स में पेस्टिबिन देखिए, और ये चीज चलता रहा तो होगा आपका ये क्लोस्ट्रिडियम नेक्रोटिक एंटाइटिस और लास्ट में मैगोट। ये इसमें अगर वीडियो बोले तो दिखा देंगे, वीडियो छोड़िए, ये आज से ठीक 14 दिन पहले मैं अहमदाबाद में था स्ट्राइक मीटिंग में, वो पानी के ऊपर कुछ बोलने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो मैं उनको बोला था मैं कुछ फार्म देखना चाहता हूँ, अहमदाबाद में फार्म कभी देखा नहीं, तो पहले फार्म सुबह देख के उसके बाद ही मैं तो फार्म में गया। एक 5 दिन वाला चिक्स देखिए पेस्टिवेंट, पानी पहले बोल दूँ उस फार्म का पानी का पीएच था 9, टीडीएस मेरे पास वो है 556। तो बोला सर क्या करना है, मैंने यही बोला आपको आपको ये मतलब पानी वाला फिल्टर लगाना है, आरओ लगाना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये 5 दिन का इसमें इतना पानी, इसमें मैं थोड़ा सा 5 दिन का चीज का लेकर दबाया तो इतना पानी आ गया, और ये फीड पैसे देख रहे हो, ये 13 दिन का फीड दाना देखिए सारे दाना बाहर आ रहे हैं। 22 दिन का फार्म में गया धीरे धीरे, उसमें देखिए सारे सर फीड नहीं मुझे लगता है कि लैट्रिन नहीं है, फीड ही है, हाथ में लिया ऐसे लगा, बाद में जब हाथ में पीछे देखिए क्या देखिए कहाँ से वजन आएगा, ये तो 30% बाहर जा रहा है। अब 22 दिन में वो खाया था 105 ग्राम, 30% बाहर तो 70% से मिलेगा, 50% तो मेंटेनेंस में जाता है, तो डे गेट के लिए तो 20% बचे तो नहीं मिलेगा। अब पानी क्वालिटी ठीक करने से कैसे बेनिफिट, क्या डिजीज कंट्रोल कैसे होता है देखिए, अगर ड्रिंकिंग वाटर सेफ है, वाटर बोर्न डिजीज जो है पानी से होने वाले जो डिजीज है, जैसे ये दोनों तो लेयर ब्रीडर में कॉलेरा टाइफाइड, हमारा इकोलाई सीआरडी कॉक्सी आरडी आईबीडी आईबी सारे पानी से होने वाले बीमारी, अगर पानी ठीक है तो कंट्रोल होगा। मैं आगे गार्ट हेल्थ के ऊपर बात करूंगा तो इसको बोल देता हूँ डिटेल्स में। अगर ऑप्टिमम इंटर गार्ट हेल्थ मतलब गार्ट का 4 लेयर होता है, पहले म्यूकस लेयर होता है सब सेल के ऊपर, जैसे हमारा सब जगह शरीर के यहाँ गीला होता है ना सब जगह अंदर, वो गीला मतलब कि म्यूकस लेयर होता है, वो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। उसके बाद होता है जो मदद करने वाले बैक्टीरिया जिसको हम माइक्रोबियम बोलते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो हेल्पफुल बैक्टीरिया रहता है। नेक्स्ट टाइट जंक्शन, दो सेल के बीच में जंक्शन टाइट होता है, वहाँ से कोई बैक्टीरिया अंदर नहीं जा सकता। और लास्ट में नीचे रहता है जीएलटी और इम्यून सिस्टम, हमारा मुर्गी का इम्यून सिस्टम वर्षा में सब नहीं है, 70% इंटेस्टाइन में है, ये ख्याल कीजिए बहुत बड़ा बात है, मुर्गी का इम्यून सिस्टम का 70% इंटेस्टाइन के नीचे है जो दिखता नहीं, हम सिर्फ वर्षा और थाइमास को लेके दिमाग खराब करते हैं, लेकिन 70% वो तो 30% ये 70% जीएलटी गार्ट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अगर ये ठीक ठाक इंटेस्टाइन ठीक है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं ना, ग्रीन टी लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का बात होता है, फीड में भी डालते हैं एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि मेजर स्ट्रेस होता है जो ऑक्सीजन रेडिकल फ्री ऑक्सीजन रेडिकल से उसको कंट्रोल करता है, अगर गार्ट हेल्थ ठीक है तो आपका इम्यूनिटी ठीक रहेगा, बीमारी का चांस बहुत कम है, बीमारी आएगा भी ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, 1-2% के ऊपर जाएगा। माइकोटॉक्सिन फीड में है, अगर म्यूकस लेयर ठीक है तो माइकोटॉक्सिन एब्जॉर्ब नहीं होता, वो म्यूकस लेयर माइकोटॉक्सिन को लेके बाहर चला जाता है, ये ऊपर वाले से दिया हुआ सिस्टम है, इसमें कोई दवाई नहीं लगता है, उसको ठीक रखिए। और लास्ट में इंटेस्टाइन में छेद होगा मतलब कहीं
इंटेस्टाइन में ओपनिंग होल होगा तभी ना बैक्टीरिया वायरस अंदर जाएगा। अगर वो हमने रोक दिया तो सारे जो इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन से अंदर जाने वाले, जो हम एक बात करते ना लीकी गाट, गाट लीक हो गया, अगर लीकी गाट रोक सके तो ऑल दिस डिजीज नेकोटिक एंटाइटिस कोक्सीडियोसिस कोराइजा इधर बर्ड फ्लू रानीखेत आईबीडी आईबीएच एडिनोवायरस रियो वायरस रोटा वायरस सी आई ए आज जो वायरस आपको देख रहे हैं सारे वायरस जो फील्ड में आज है सब जगह एक चीज आपको कॉमन मिलेगा मुर्गी में गाट हेल्थ ठीक नहीं है। होल इंडिया इज सफरिंग। अब इसमें कौन है गाट हेल्थ खराब पहले हुआ है उसके बाद वायरस आया कि वायरस आके गाट हेल्थ डैमेज किया है इसके ऊपर छानबीन जारी है। इस दिस ईयर 2023 होल इंडिया इज फेसिंग पुअर गाट हेल्थ एंड पुअर बॉडी वेट। अभी मैं गाट हेल्थ मैनेजमेंट को थोड़ा सा कुछ 5 मिनट टाइम लूंगा। गाट मतलब जब बोल रहे थे ना ये ऊपर ये इंटेस्टाइन जो कैनल आए इसी कैनल को काटे तो इस तरह लेयर दिखता है इसका अंदर का एक पाइप है सोच लीजिए ये पाइप का अंदर आधा इधर भी आधा है ये म्यूकस लेयर वहाँ पे हेल्पफुल बैक्टीरिया है जो हमें मदद करता है डाइजेशन में इम्यूनिटी में। उसके बाद दोनों सेल के बीच में टाइट जंक्शन उसके नीचे जीएलटी जो इम्यून सिस्टम ये चार को क्रॉस करने से तभी इन्फेक्शन अंदर जाता है। ये हमारा नेचुरल डिफेंस है इतना आसान नहीं इसको डिस्टर्ब करना सिर्फ ये पांच चीज गाट हेल्थ मतलब ये पांच चीज सही रहना है। एक तो इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर ठीक रहना है दूसरा ये जो म्यूकस लेयर पूरा म्यूकस लेयर एकदम नॉर्मल रहना है नेक्स्ट जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है नंबर ऑफ बैक्टीरिया और वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया दोनों ठीक रहना है नेक्स्ट टाइट जंक्शन इंटैक्ट रहना है और आगे हेल्दी स्टेटस ऑफ इम्यून सिस्टम तो अंदर कोई नहीं जा पाएगा। यह हमारा गाट हेल्थ नॉर्मल है। अब ये देख के क्या लग रहा है इंटेस्टाइन है अपना ही फोटो है कोई इंटरेस्ट कोई इंटरनेट से डाउन किया नहीं इसलिए मेरा नाम भी लिखा हुआ है इसमें ये आपका इंटेस्टाइनल कॉक्सी जिसको बोलते हैं एसर एसर मुलिना और मैक्सिमा है ये जो देख रहे हो ना हेमरेज ये आइमेरिया मैक्सिमा इसमें कोई ब्लड नहीं निकलेगा लेकिन कोक्सीडियोसिस है। गाट हेल्थ में कौन कौन चीज असर करता है फर्स्ट इज हैचरी में टेम्परेचर ठीक ठाक मेंटेन नहीं हुआ तो इंटेस्टाइन का पुअर डेवलपमेंट होगा। इंटेस्टाइन जितना जल्दी अपना साइज में आएगा उतना जल्दी डाइजेशन उतना जल्दी इम्यूनिटी है तो 5.5 फुट उसमें डाइजेस्ट करने के लिए सिर्फ 2.5 फुट जगह है 2.5 फुट 3.5 घंटा काम हुआ तो ठीक है नहीं बाहर। विराट कोहली को 66 फुट मिलता है सर मतलब 22 इयर्स मतलब 66 फीट हमें 66 इंच मिलता है इंचेस 5.5 फुट मुर्गी के इंटेस्टाइन 6-7 इंच होता है वही जगह में उसका आधा में डाइजेशन होता है 3.5 घंटा आपको जो करना है करो नहीं तो बाहर जाए जैसे जो फोटो देखा है वो। इनक्यूबेशन खराब हो ब्रूडिंग टेम्परेचर ठीक ठाक नहीं दिए जल्दी दाना नहीं दिए तो इंटेस्टाइन डेवलपमेंट पूर होता है। चिक्स प्लेसमेंट हुआ है फिर 6 घंटा बाद देंगे तो आपका इंटेस्टाइन डेवलपमेंट 6 घंटा पीछे चला गया। ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी पीएच हार्डनेस कंटामिनेशन बात करेंगे। स्ट्रेस और वेलफेयर स्ट्रेस चिक्स को तनाव आ रहा है तो उसका इंटेस्टाइन डेवलपमेंट पूर। फीड फॉर्म कितना जल्दी उसको फीड मिलता है फीड चेंजेस कितने बार करते हो आप मतलब चेंजेस में कितना एनर्जी प्रोटीन चेंज हो जाता है और माइकोटॉक्सिन ये सब गाट हेल्थ में इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन फीड कंपोनेंट फीड में आप क्या चीज़ दिए क्या क्या चीज़ से फीड सिर्फ प्रोटीन एनर्जी मिला दी चिक्स को पसंद नहीं है। अब ये मैं पंजाब हरियाणा में हूँ यहाँ आपको 2 वक्त सुबह शाम दिन में 3 बार चावल दिया जाए आप खाओगे लेकिन खाता है कोई जगह आप नॉर्थ बंगाल जाइए आसाम जाइए 3 बार चावल खाते आप नहीं खाओगे पसंद नहीं है।
ये मुर्गी के बारे में सोचते ही नहीं कि मुर्गी को क्या चीज पसंद है। नेक्स्ट लीटर, लीटर खराब हो तो इंटरस्टेट डेवलपमेंट इफेक्ट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ इंटरवेंशन, अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एजीपी, वैक्सीनेशन कैसे कर रहे हो, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक सबका चला। कोई अच्छा काम प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक अच्छा रिजल्ट देता है। वैक्सीनेशन ड्रिंकिंग वाटर थ्रू जब कर रहे हो इंटेस्टाइन में थोड़ा सा इफेक्ट तो करेंगे के ऊपर वहाँ जा रहे हैं। आगे इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वायरस पैरासाइटिक इन्फेक्शन गाट हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट इज गाट माइक्रोबायोटा, गाट के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है उसका नंबर, उसका वेराइटी कितना, सब ठीक ठाक है कि नहीं। और लास्ट में बायोसिक्योरिटी, ये सब गाट हेल्थ में असर करता है। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हैचरी टेम्परेचर और अर्ली एंड ईजी एक्सेस, चीक्स आया तुरंत फीड देना और हैचरी टेम्परेचर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है चीक्स का इंटेस्टाइन डेवलपमेंट में। हैचरी टेम्परेचर सिर्फ हैचेबिलिटी नहीं बोलता है, चीक्स का गार्ड है चीक्स, वो चीक्स आगे कितना दूर पहुंचेगा वो टेम्परेचर बोल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट माइकोटॉक्सिन गार्ड हेल्थ में। आज आपका ये सर्वे रिपोर्ट दिखा रहा हूँ किसी कंपनी का, चार कंपनी इंडिया में माइकोटॉक्सिन के ऊपर सर्वे किया है, एक का मैंने यहाँ दिया दिखा रहा हूँ। 100% फिनिश फीड इन इंडिया और उसमें माइकोटॉक्सिन है 100% में, कोई 99% नहीं, 100%। कितना सैंपल टेस्ट किया देखिए, 524 सैंपल इंडिया से टेस्ट किया है 100% में, उसमें 95% में एक से ज्यादा टॉक्सिन है और 5 में सिर्फ 1% टॉक्सिन है। हम जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे न्यूट्रिशनिस्ट भी है यहाँ, कि माइक एप्लाटॉक्सिन 20 ppb हो तो हार्मफुल है। ये 20 ppb मतलब उतना देने से लीवर किडनी में कुछ होगा हमको दिखाई देगा। इंडिया का एवरेज मिला है 39 और हाईएस्ट मिला है 1134 1100। तो मुर्गी तो ऊपर वाले का भरोसा में, अल्लाह भरोसा में जिंदा था। और माइकोटॉक्सिन इवन 5 ppm नॉट ppb 5 ppm कुछ नहीं। अच्छा एक चीज हम लोग सचिन, पांच मिनट सचिन, मानसून के टाइम बरसात में हम लोग मूंगफली खा के थूके फेंक दिया, दुकानदार को गाली दिया, ऐसे हुआ है किसी के साथ? होता है ना मानसून में मूंगफली खा के दुकानदार को गाली देते, आप जब हाथ में लिए थे पता नहीं चला था उसमें क्या है, कुछ तो देखा नहीं, अच्छा ही देखा खा लिए, करो लगा थूके और गाली दे दुकानदार को, क्या था? फंगस, फंगस बीटा कड़वा होता है, जब बहुत कम होता है तब दिखता नहीं। तो माइकोटॉक्सिन जब बहुत कम है कुछ नहीं करेगा, लेकिन इंटेस्टाइन के ऊपर का जो लेयर जो दाना हजम करता है जो फिलाई जिसको बोलते हैं उसको डैमेज कर देंगे। आप दो दिन पुराना रोटी खाइए ना, कल वाला रोटी आज खाइए, क्या होगा? कुछ नहीं, गाड़ी लेके जा रहे थे बीच में वापस आना, नहीं तो रास्ता में कुछ ही अच्छा सा ढाबा देख के जहाँ टॉयलेट है वहीं घुसना हो। ये माइकोटॉक्सिन कैपेक्टॉक्सिन का, ये माइकोटॉक्सिन इंटेस्टाइन डैमेज कर रहे, उसके बाद लिखेगा एक के बाद एक कीटाणु तो दाना के साथ पानी के साथ तो जा रहे हैं, सबको एंटी मिल रहा है। तो शुरुआत माइकोटॉक्सिन आपको रॉ मेटेरियल ठीक से करना है, माइकोटॉक्सिन बाइंडर सर जी 40 रुपये का भी है, 300 रुपये का भी है टन में, कौन सा दोगे आपके ऊपर। यहाँ सीमेंट में पैसा बचाओगे तो मकान, थोड़ा सा भूकंप 4 decibel गिरेगा, यहाँ पैसा फीड बनाने में पैसा मत बचाइए, मुर्गी में बचाइए।
सारे जो माइक्रोटॉक्सिन है सब इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, कोई इंटेस्टाइन लेयर को ऊपर वाला लेयर को खराब करता है, कोई नीचे जो इम्यून ऑर्गन उसको खराब करता है, कोई टाइट जंक्शन को खराब करता है, सब माइक्रोटॉक्सिन। जो माइक्रोटॉक्सिन हमारे टेस्ट में नहीं आता है वो डैमेज करता है। माइक्रोटॉक्सिन फ्री रॉ मेटेरियल बहुत मुश्किल है, हमें कंट्रोल वहाँ करना है फैक्ट्री में। आपका न्यूट्रिशनिस्ट जानता है क्या करना है, उनसे डिस्कस कीजिए। सब न्यूट्रिशनिस्ट को मालूम है क्या करना है। आज ये सब भर में कॉमन है, लूज डोपिंग और फिट पैसेज सब भर में है। इन्फेक्शंस देखिए, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, नेकोडिक एंटाइटिस, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन, आई मेरी ऐसा भूली ना, ये एंडिका हाई पैथोजेनिक एंडी में इस तरह इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन डैमेज होता है, कहाँ आपका डाइजेशन होगा। ये सारे फोटो अपने हाथ का है, कोई जो देखा हो जो टेस्ट करके बाद में मिला है वो फोटो एक साथ। गार्ड हेल्थ कंप्रोमाइज करने से क्या होगा, डाइजेशन इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट में होता है जिसको ड्यूओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, वहाँ डाइजेशन नहीं होगा तो वो लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में चला जाएगा, वहाँ क्लोस्ट्रिडियम बोल के एक बैक्टीरिया सीकम में बैठ के इंतजार कर रहा है कब वो डाइजेस्ट ना हो के प्रोटीन हमारे पास आए, वो प्रोटीन खा के अपना ताकत भरेगा। और जब वहाँ डाइजेशन नहीं हुआ मतलब वहाँ इंटेस्टाइन टिश्यू डैमेज हुआ, वहाँ का पीएच चेंज हो गया, पीएच एसिडिक होता था अल्कलाइन हो गया और क्लोस्ट्रिडियम ऊपर आएगा और हमें दिखाई देगा डिसबैक्टीरियोसिस, और ज़्यादा होगा तो बाद में एंटेराइटिस। ये प्रोटीन अब डाइजेशन ना होकर लास्ट में जा रहा है, वो कीटाणु वहाँ से ऊपर ऊपर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। नॉर्मली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पीएच एसिडिक एसिड जैसे होने के कारण वहाँ बैक्टीरिया आता नहीं, वो मर जाएगा, लेकिन जब इंटेस्टाइन डैमेज होता है वहाँ पस निकलता है तो अल्कलाइन हो जाता है, वो बैक्टीरिया आता है और उसको खाने के लिए प्रोटीन मिलता है, ताकत भी मिल जाता है। ये गार्ट हेल्थ का बहुत बड़ा महीना है। ये आपका लीकी गार्ट, अगर इंटेस्टाइन ये देखिए ये नॉर्मल टाइट जंक्शन, ये लीकी गार्ट, जब यहाँ लीकी गार्ट ये होता है तब हमारा एक साइटोकाइन स्ट्रॉम बोलता है, हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्शन करते करके बहुत ज़्यादा पानी पानी फेंक के इसको बाहर करने का कोशिश करता है, उसमें लूज डॉपिंग का एक कारण है, एक्सेस वाटर सिस्टम से बाहर आता है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइन स्ट्रॉम, सब जगह होता है, ये इम्यून सिस्टम करता है और बैक्टीरिया को अंदर जाने का मौका मिलता है और पानी निकलता है लैट्रिन के साथ बहुत ज़्यादा लूज टूट होता है, ये लीकी गार्ड। और लीकी गार्ड होने से एक के बाद एक इन्फेक्शन, जो जो बैक्टीरिया वायरस वहाँ इंतजार कर रहा था हमारे पोल्ट्री का एनवायरनमेंट में माहौल में है वो बीमारी पैदा करेगा, मतलब उनको मौका मिल रहा है। ये छोड़िए, हाउ टू प्रमोट गार्ट हेल्थ तो उसके बारे में बोला, ये ज़्यादा टेक्निकल है। आगे लीटर मैनेजमेंट, बेड बेडिंग मैनेजमेंट, लीटर लीटर क्या है सबको मालूम है, बस एक पिक्चर दिखाता हूँ, अगर आप सोडा दे रहे हो तो एक इंच और राइस हास में तो दो इंच, राइस हास ये बेस्ट है सब हिसाब से, नरम हल्का और एयर पास होता है, वेंटिलेशन उसमें आता है। लीटर केक क्यों होता है, क्यों लीटर खराब होता है, मेन देखिए पहला कारण हम लीटर कम देते हैं, बहुत फार्मा देखोगे बोलते हैं मैं दो बार लीटर चेंज करता हूँ, उनको देना था 450 ग्राम और दिया 200 ग्राम, मतलब गद्दा की जगह बेडशीट, पहले बेडशीट लगाया बेडशीट खराब हो गया, फिर एक बेडशीट लगाया फिर खराब हो गया, फिर एक बेडशीट, अरे भाई तीनों का पैसा मैं गद्दा लगाऊंगा, वो नहीं देते, इंसफिशिएंट देता है। उसका कारण एक बहुत बड़ा कारण है इंसफिशिएंट वेंटिलेशन, वेंटिलेशन खराब मैंने बात तो ऑलरेडी किया, लीटर खराब होगा। और उससे भी बड़ा कारण इन्फेक्शन, सबसे बड़ा कारण लीटर खराब के इन्फेक्शन, मतलब लूज स्टूल,
अगर लैट्रिन में 40% पानी होना चाहिए, क्योंकि मुर्गी प्रसाव नहीं करता, एक साथ आता है। अब 40 की जगह 50 हो जाए तो वो जो एक्स्ट्रा पानी कहाँ से जाए, कहाँ जाएगा, वो लीटर को खराब करता है। पुअर वाटर क्वालिटी और लास्ट में फीड एंड न्यूट्रिशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा हाई फाइबर डाइट और बहुत ज़्यादा NSP, नॉन स्टार पॉलीसेक्राइड है, ऐसे कुछ दिया है आप, एंजाइम सही इस्तेमाल नहीं हुआ है तो आपका कोलेस्ट्रॉल होगा। हम बहुत सारे बाजरा इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब का एंजाइम नहीं है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो आपका लूज टूल होना है। कॉर्न सोया के बाद जो भी चीज दीजिए, इवन कॉर्न सोया में एंजाइम लगता है, आपका एंजाइम न्यूट्रिशनिस्ट को मालूम है, जो भी आप इंग्रेडिएंट दे रहे हो उस हिसाब से आपको एंजाइम देना है, नहीं तो आपका एंटेराइटिस होना ही है, डिसबैक्टीरियोसिस इन्फेक्शन, उसके बाद ही कोलाई और बाकी इन्फेक्शन जाकर उसको एंटेराइटिस बनाएगा। पोर लीटर मीन्स, मैं तो यही समझता हूँ, लॉस, क्योंकि मुर्गी पैर में घाव होता है, वो चल नहीं पाता पोर लीटर, और अमोनिया गैस के चलते ऐसे भी कम खाता है, कम खाएगा तो कम हो जाए, अल्टीमेटली लॉस। एक चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव। हम लोग इंसान में स्ट्रेस मैनेजमेंट आजकल बहुत चर्चा का विषय है, सब जगह है, जबरदस्त लोगों के ऊपर स्ट्रेस है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो मुर्गी वो जो वो पहले डॉक्टर बोल रहा था ना कि ये है क्या 100 मीटर रेस, हम तो बोलते हैं T20 मैच है, ब्रॉयलर T20 मैच, लेयर आपका लेयर टेस्ट मैच है। तो T20 मैच में एक एक बॉल गिना जाता है, वो भर भी 120 बॉल का खेल, वहाँ पे स्ट्रेस बहुत बड़ा मायने रखता है, हमें स्ट्रेस अवॉइड करना है। उस स्ट्रेस हम अवॉइड कर सकते, देखिए ये स्ट्रेस हम फार्म मैनेजमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ स्ट्रेस है जो अवॉइड करना मुश्किल है। क्लाइमेट तो एक्सट्रीम होगा, ऊपर वाले के ऊपर तो हमारा हाथ नहीं है, क्लाइमेट ब्रॉयलर का ग्रोथ रैपिड है। मैंने अपने लाइफ में 73 ड्रैगन देखा है, तो मैं ड्रैगन नहीं बोलता, मैं आवर गेन बोलता हूँ, थ्री गम पर आवर देख चुका हूँ। 37 दिन रनिंग में 2 किलो 729 देखा, तो 73 ड्रैगन। ये स्ट्रेस को हमें अवॉइड कंट्रोल करना है, अनअवॉइडेबल स्ट्रेस, इसको तो अवॉइड करना है। ये डे टू डे हस्बेंडरी प्रैक्टिस, एक चीज बोला था जो रोज का मैनेजमेंट, एक चक्का जैसे व्हील जैसे है, अब एक स्पोक टूट गया तो चक्का कमजोर होता है, एक से ज्यादा टूटा तो चक्का नहीं चलेगा। इसमें देखिए क्या है, स्पेस, लाइट, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, फीडिंग, लीटर, स्ट्रेस, रोडेंट्स, मेडिकेशन, क्लीनलीनेस, सब कुछ मिला के परफॉर्मेंस। ये क्या बोल सकते हैं, अब लास्ट पेज में पहुंचा, इस लास्ट पेज, ये साइकिल क्या है कोई बोल सकते हैं? मुर्गी का, मैं मुर्गी छोड़ के कुछ नहीं जानता हूं, ब्रॉयलर का ही है सर जी, मिनेज मेरे हिसाब से पोल्ट्री एक साइकिल है, पोल्ट्री का दुनिया, जिसमें 15 दिन जो सेट क्लीनिंग का टाइम है, मतलब 37 मिनट और 15 दिन सेट क्लीनिंग, 52 डेज का साइकिल है। उसमें मेरे हिसाब से सेट क्लीनिंग 25% इम्पोर्टेंट है, आप माने चाहे ना मानो, डिजीज फ्री सेट क्लीनिंग इज 25%। नेक्स्ट ब्रूडिंग इज 50% ऑफ पोल्ट्री, ये तो टेक्स्ट बुक भी बोलता है, और ये मानते हैं आप सेट क्लीनिंग ब्रूडिंग में इफेक्ट करता है, क्योंकि डिजीज भी नहीं हुआ तो ब्रूडिंग कैसे करोगे, बीमारी है तो चिक्स मोर्टैलिटी शुरू होगा, अगर इकोलाई सीआरटी फ्री नहीं किए बच्चा छोड़ दिए, सेट क्लीनिंग ब्रूडिंग में असर करता है। देखिए पोल्ट्री में मैं 75% 7 दिन तक हो गया, बाकी ग्रोइंग 10% और फिनिशिंग 15%, मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहे हैं,
और ब्रूडिंग फिनिशिंग में इफेक्ट करता है, ब्रूडिंग बोल देता है चिक्स कहाँ पहुंचेगा, और इसको फिर वही T20 मैच से सोचिए, ये पहला 5 ओवर खेलना है, उठा के मारना है और बीच में विकेट रखना है कि लास्ट में विराट कोहली जैसे कोई रहे, लास्ट 5 ओवर में उल्टा तरफ कोई भी रहे तो देखिए 7 दिन 50%, इसके बाद 20 दिन 10%, क्योंकि ब्रूडिंग हो गया तो उसके बाद क्या है, गाड़ी पटरी पर मतलब न्यू दिल्ली स्टेशन से ट्रेन को यार्ड से लाके लोडिंग करके पैसेंजर बैठा है, वेटिंग दिया है, सब कुछ करके चालू कर दिया, प्लेटफॉर्म से चल पड़े, ब्रूडिंग हो गया तो क्या है, सिग्नल देखो चलो, ये 20 दिन सिग्नल देखो चलो, और लास्ट 10 दिन में फिर मैं 15% क्यों रखा, क्योंकि ये 10 दिन डेली 100 ग्राम गेन लेना है सर, 100 ग्राम मीन्स आज की रेट में भी डेली 9 रुपया, एक दिन गए मतलब सोचिए, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट फिनिशिंग मेरे लिए ब्रॉयलर यही है। लेकिन बीच में एक चीज आएगी, अगर ये हमारा दुनिया है, और देखा आपका जितना भी फार्म हो ये 4 स्टेज किसी एक जगह पे है, कोई भी फार्म, कोई सेटरेडी में है, कोई ब्रूडिंग, कोई ग्रोइंग में, कोई फिनिशिंग में, फिनिशिंग में ध्यान ज़्यादा देते हैं, ब्रूडिंग में भी देते हैं, और बायो सिक्योरिटी अगर मेंटेन ना करे तो हमको उठा के बाहर फेंक देंगे, मीन्स सब फेल, बायो सिक्योरिटी मेन, एंड यही ब्रॉयलर मैनेजमेंट मेरे लिए, यही ब्रॉयलर मैनेजमेंट। अगर ये किए तो एक फार्म का रिजल्ट दिखाता हूँ, मेरे लाइफ में सबसे अच्छा रिजल्ट जो बोल रहा था ये देखिए, ये बांग्लादेश में मुझे मिला है, लेकिन आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले मिला, देखिए छोटा फार्म, बांग्लादेश में फार्म साइज छोटा ही है, इंटीग्रेशन तब जस्ट शुरू हुआ था, इंटीग्रेशन बांग्लादेश में 2018-19 में शुरू हुआ, ये तब का टाइम, अगर ये रिजल्ट ले पाए तो भाई 80 रुपये भी चलेगा। इसके साथ थैंक यू बोलता हूँ, और मेरा एक